देश का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम हैदराबाद में बनाया जाएगा। 300 करोड़ रुपए की लागत से 2,50,000 वर्ग फीट में निर्मित ये टनल एक्वेरियम कोठवलगोडा इको पार्क में बनेगा। 100 मीटर की घुमावदार सुरंग भी बनेगी। कम से कम 100 मीटर लंबी घुमावदार सुरंग में 3.5 मीटर चौड़ा वॉकवे और 360 डिग्री का मनोरम दृश्य होगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी अब कोठवालगुडा में इको पार्क में एक्वा मरीन पार्क परियोजना पर काम कर रही है और प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए वैश्विक अनुरोध जारी किया है। मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के तहत इनोवेटिव प्रोजेक्ट में भाग लेने के इच्छुक डेवलपर्स से प्रस्तावों के लिए अनुरोध जारी किया है। पर्यटकों को यहां विभिन्न प्रजाति की मछलियों को देखने का मौका मिलेगा। टनल एक्वेरियम के अंदर आने वाले लोगों के लिए रेस्टोरा, 7D थिएटर, कोई फीडिंग, बच्चों के लिए इंटरैक्टिव कियोस्क, टच टैंक और वर्चुअल एक्वेरियम भी है। वहीं उसके आस पास कॉटेज बनाए जाएंगे ताकि लोग यहां पर आकर एक दो दिन बिता सके। इस 7D थिएटर में 25 लोगों के बैठने की क्षमता है और यह आपको समुद्र के नीचे होने वाली घटनाओं की झलक देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्वा मरीन पार्क में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। टनल टैंक में पानी की मात्रा 30 लाख लीटर होगी। बच्चों और वयस्कों के पास मीठे पानी, समुद्री और खारे पानी की प्रजातियों की 300 प्रजातियों को देखने का एक शानदार समय होगा। साथ ही 1,000 से अधिक मछलियां, सरीसृप, समुद्री, भूमि आधारित, घरेलू, आयातित और सजावटी मछलियां पानी में देखी जाएंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।